हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं शिंटो श्राइन में आई हूँ दोबारा से। शिंटो श्राइन तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट शिंटो श्राइन में एक छोटा सा गार्डन है जो मैंने आपको नहीं दिखाया। आज मैं आपको वो गार्डन ही घुमाऊँगी। चले और अगर आप टायर्ड हो जाते हैं तो आपके बैठने के लिए भी यहाँ पर बेंच लगा रहे हैं। इस गार्डन की खासियत ये है कि इसमें जापान के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिफेक्चर हैं वहाँ से स्टोन लाकर यहाँ पर उस स्टोन को फ्लावर की शेप में कट करके यहाँ पर लगाया है। नहीं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब लड़े थे उनकी याद में उन्होंने ये जो है प्रिफेक्चर से स्टोन लाकर यहाँ फ्लावर की शेप में उन्होंने रखा है। Thank you.
आज जापान में मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, बारिश हो गई। देखो मैं अपना अम्ब्रेला लेकर साथ में चल रही हूँ, तो बट मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है क्योंकि आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर बहुत डाउन दिखा रहा है ये। तो लेट्स सी कैसा होता है, देखते हैं। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, और जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो अगर आप यहाँ पर शिंतो श्राइन में आते हैं, कुदानशिता से 5 और मे बी 6 मिनट का वॉक है, तो एग्जिट नंबर 2 से अगर आप निकलेंगे और सीधा सीधा चलते जाएंगे तो आपको श्राइन मिल जाएगी। और यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, तो कोई आपको, अगर आप बाय कार आते हैं, बाय ट्रेन आते हैं, वैसे तो ट्रेन बहुत इजी है हर जगह से आने में। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कुछ भी, अगर आपके पास कुछ है आप मुझसे पूछना चाहते हैं जापान टोक्यो के बारे में, और अगर आप कहीं पर घूमना भी चाहते हैं तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पर लेके चलूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।